आजकल लोग फोन के लिए भी लोन लेते हैं। ऐसा क्या? लोन देते देते मैं थक गया हूँ। पहले गिव मी लोन, बाद में लीव अलोन। हेलो, कौन चाहने वाला है? यमराज सिंह। हाय तैया, यमराज सिंह, क्या दूँ आपको? तेरे बाजू वाली को फोन देगी? ये लो, यमराज सिंह। मुझसे क्या बात करनी है? हेलो। हेलो, तुम मुझे और मेरी माँ दोनों को ही पसंद हो। तुम्हें दिल का हाल बताने के लिए मैंने कॉल किया है। तुम्हारी ब्यूटी के वजह से मैं अपनी ड्यूटी नहीं कर पा रहा हूँ। उस दिन तुम मुझ पर गिरी, मैं तुम्हारे प्यार में गिरा। ये ले, तुझसे कुछ कहना चाहता है। अर्ज किया है, तेरी अदा पे दिल हो गया फिदा। शादी कर ले मुझसे। मैं तो कब से तैयार हूँ। सुन सर, तेरा कॉल है। ये सर, एंजॉय कर। तुम्हारे होंठ कितने हॉट हैं। कौन है ये? और तुम्हारे स्टाइल मेरे दिल पर बिजलियां गिराती है। चुप क्यों हो गई? कोई टेंशन है क्या डार्लिंग? अरे कहाँ चली गई? तुमने तो दीवाना कर दिया। ए बैंक लोन यूज कर अपना को। प्रदीप कुमार जिंदाबाद। हमारा नेता कैसा हो? प्रदीप कुमार जैसा हो। हमारा नेता कैसा हो? इस सभा को संबोधित करने के लिए अब मैं मंत्री श्री प्रदीप कुमार जी को आमंत्रित करता हूँ। हमारा भारत देश दुनिया में एकता का प्रतीक है। हमारे यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इन सब में जितना भाईचारा है वो पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल है। मुझे आप लोगों के बीच आकर बहुत खुशी हो रही है। मैं आप लोगों को आश्वासन देता हूँ कि इस गांव के विकास के लिए मैं होम मिनिस्टर से कह के बिजली और पानी का और बेहतर तरीके से इंतजाम करूँगा और यहाँ मौजूद सभी लोगों को मुफ्त में शौचालय भी दिलवाऊंगा। तो इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद। अब आपके बीच अपनी बात कहने आएंगे युवा नेता चाबू सिंह। आप लोगों को मेरा नमस्कार। प्यारे भाइयों, शुरू हो जाओ। जैसा कि मंत्री जी ने कहा है कि ये क्या हो रहा है? रुको इन्हें। यमराज सिंह की सेना पीछे मुड़। यस सर। आगे बढ़। बेवड़े लोग भी ना कहाँ से आ जाते। क्या हो रहा है यहाँ? ये बोका बहुत गड़बड़ पोछिलो। जौल में शराब मिला रहा था। पानी में शराब मिलाना खराब काम तो नहीं? किसने पकड़ा इसे? मी पकड़ा साहेब। ये ना पानी में दारू नहीं, टैंकर मधे दारू मिला के पीतो। नशे में, छोड़ दो इसे। छोड़ दे? हाँ जाने दो इसे। जाने दे इसे? कितनी आसानी से कह दिया आपने। हमने अपनी जान पर क्रिकेट खेलकर इतने खतरनाक क्रिमिनल कैच किया है और आप कह रहे छोड़ दे इसे। कोई बात नहीं सर, सीनियर अपने जूनियर की तरक्की कभी नहीं देख सकता। क्या यही है इंसाफ? आपके पास है कोई जवाब मेरे सवालों का? हाँ? अबे पीस ने चढ़ी तेरे को है। रहने दीजिए सर। बाऊजी, 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 ये मेरे बाऊजी हैं। वाह, तुम सही टाइम पर आई हो, वरना हम तुम्हारे बाऊजी को जेल में डालने वाले थे। चाचा तुम रोज पीते हो और कौन सी पीते हो? ये लीजिए मेरे कंगन, ले लीजिए और इन्हें छोड़ दीजिए। मेरे पास सिर्फ ये कंगन ही है और कुछ नहीं है। यमराज सिंह को घुस दे रही हो? अगर कोई और होता तो उसे मैं घर में घुसकर मारता। और लड़की हो तो क्या करोगे? अगर बीच में बोला तो तेरे सारे दांत तोड़ दूंगा। हाँ तो भारतीय नारी, तुम मुझे घुस देना चाहती हो? अरे ओ यमराज सिंह की सेना सर! पीछे मुड़। यस सर। आमचा पाठीमागे साहब क्या कर रहे हैं? कानून अपने लंबे हाथों का फायदा ले रहा है। तुम मुझे घुस देना चाहती थी ना, तो इन खूबसूरत होठों से होठों से शू करवा लूं, मुस्कुरा दो। अरे यार सारा मजा खराब कर दिया। मुझे हंसी नहीं आ रही है। तुम्हारे इस प्रॉब्लम का भी जुगाड़ है? सेना पीछे मुड़। यस सर। सुनो, जो कोई भी इस लड़की को हंसाएगा उसे 999 रुपए का इनाम मिलेगा। एक रुपए का क्या? TDS काटूंगा। इनाम के साथ मिलेगा फुल खंबा। फुल खंबा? तब तो मैं भी ट्राई करूंगा। जरूर।
एक मिनट, मेरे लिए लड़की देखने जा रहे हैं ना? हाँ सर। हाँ सर, तो स्लो मोशन में डांस क्यों कर रहे हो? स्लो मोशन म्हणजे थोड़ी जान लगा। माझी जान तो घर पर है। मजाक करते हो? नाचो, जान नहीं डालोगे तो जान से हाथ धो बैठोगे। नाचो। सेना सर, मैं अंदर जाकर गुड न्यूज लेकर आता हूँ, तुम गुड बॉयज बनकर खड़े रहो। यस सर। जगाने के लिए कुछ था ही नहीं तो घंटाई बजा दिया। मेरी माँ ने तुम्हारे लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया है और तुम्हारे बाबूजी के लिए मैंने। लेकिन क्यों? मुझे बोलने में शर्म आ रही है, मेरी तुम्हारी शादी के लिए। मैं शादी नहीं करूंगी। मुझसे या किसी से नहीं करोगी? मैं कभी शादी नहीं करूंगी, मुझे बाबूजी की देखभाल करनी है। वाह, क्या वजह है, कमाते तुम हो पीते वो हैं। सिर्फ कन्यादान के लिए रुका हूं, वरना कब का हवालात की हवा खिलाता उन्हें। तुम उन्हें शराब मुक्ति केंद्र क्यों नहीं ले जाती? मैंने उन्हें कितनी बार बोला पर वो मेरी बात ही नहीं सुनते। वो मर जाएंगे तब शादी करोगी? उनके जीते जी मैं शादी नहीं करूंगी। देखो सोच समझ कर। छोड़ दो, मैं हाथ जोड़ती हूँ। छोड़ना तो पड़ेगा, तुमने कौन सा जुर्म किया जो तुम्हें पकड़ लूं। खैर मैं इंतजार करूंगा, चलता हूँ। ये वाला तुमने बनाया? एकदम कलाकार फैमिली है, तुम दिन भर काम करती हो और बाप रात भर पीता है, महान आत्मा हो तुम। इसीलिए हमारे देश की तरक्की नहीं हो रही है। खाम खा इतने तामझाम किए, नई धोती खरीदी, बैंड बाजा बुक किया, भरी दोपहर में इतना पसीना बहाया, टाइम वेस्ट, कपड़े वेस्ट, पगार वेस्ट। सर का लगन फिक्स हो गया, बैंड बाजा वाले बंद कर, इनके पैसे दे और दफा कर। मैंने पर सर, आप दूल्हा बनने वाले हो, ए बगाड़ो रे बगाड़ो। ए बहरे हो क्या, बंद करो। ये तो पागल हो गया, तुम सब जाओ ड्यूटी पे। तुम्हें आता कुछ भी बोलू ना, सर का मत सुनो, बजाते रहो। उसने मेरे प्यार की पुंगी बजा दी और तुम लोग मेरा बैंड बजा रहे हो। माँ, माँ तू यहाँ है? कहानी में थोड़ा ट्विस्ट आ गया। तूने भगवान के साथ मिलकर मेरी शादी का अच्छा प्लान बनाया था, पर वो शादी करना नहीं चाहती। फैमिली अटैचमेंट तेरे पे गई है, तू इन दो को नहीं छोड़ सकती और वो बेवड़े को। वो दिया क्या मशाल लेकर ढूंढे तो भी मुझ जैसा लड़का नहीं मिलेगा उसे। बहुत जल्द उसे अपनी गलती का एहसास होगा और तब वो मेरे पास आएगी, तब मैं भी उसे साफ मना कर दूंगा। मुझे भी अपनी माँ का ख्याल रखना है, उसे तीर्थ यात्रा ले जाना है। कह दूंगा उसे। माँ मैं तुझसे बात कर रहा हूँ, कुछ बोल। माँ 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 क्या हुआ तुझे? मुझे अकेला छोड़कर चली गई। मैं तुझे कभी खुशी नहीं दे पाया माँ, तेरे बिना कैसे जीऊंगा। वापस आ जा। राजा बेटा एक रोटी और खा ले, बस थोड़ा सा मेरे राजकुमार, खा ले बेटा, ले। अरे तू ये हाथ पे हाथ धरे क्यों बैठा है, खाना नहीं खाना? तू अपने राजा बेटा को खिला, मैंने बहुत मार खा ली है। ऐसी बात नहीं है, मेरा बड़ा बेटा पढ़ने में होशियार है इसलिए उसे खूब पढ़ाएंगे, छोटा बेटा दिमाग से थोड़ा कमजोर है इसलिए उसे थोड़ा खिलाएंगे, है ना? कान खोल के सुन ले, अगर तू उनकी इज्जत नहीं करेगा, उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेगा तो समझ लेना मैं मर गई। माँ तुम जो कहोगी करूंगा, लेकिन अपने मरने की बात मत करना। तो लिखा अपने हाथों से खिला। मैं कब तक जिंदा रहूंगी तुझे खिलाने के लिए? हुँ?
खा लीजिए, आप 3 दिन से भूखे हैं, खा लीजिए। भाई भाई क्या हुआ भाई? भाई भाई मुझे मत मारो भाई। इसके लिए खाना लाओ। खोल। नहीं भाई। खा। मैं नहीं खा पाऊंगा। अपने ही लोगों के सामने चप्पल से मार खाने के बाद खाना खाने के लिए तू मुंह भी नहीं खोल रहा है, पर हमरा ऊपर तो पब्लिक के सामने चप्पल पड़े, हमका खाना खाने की भूख नहीं, बदले की भूख है। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा भतीजे। हम तड़पाएंगे वो तड़पेगा, रहम की भीख मांगेगा हम नहीं देंगे। सांप के बिल में हाथ डाला है तो बचेगा कैसे? गेंडा स्वामी, आते वक्त मेरे लिए उसका कटा हुआ सिर लेकर आ, अगर नहीं ला सका तो तू गया। ए, चल रख ये सब। ये मेला इतनी जल्दी क्यों खत्म हो गया? अगर कुछ दिन और चलता तो मैं इस थानेदार को फंसा के दिल में बसा लेती। कैसी औरत है, सर अपने माँ के गम में डूबे और ये उनके प्यार में।